हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नितेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो अपना जो टॉपिक है आज का, वो है टाइम और वर्क। उससे संबंधित हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं। जो सॉरी दोस्तों, मुंह में छाले हो रखे हैं, बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। कोई ना, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। ठीक है, तो समय और कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं हम, और उसके साथ में समझते जाएंगे कि क्या, कैसे और क्यों है। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है दोस्तों, ये जो सूत्र है ये तो आप सबने ही पढ़ा होगा खासकर। ठीक है, बचपन में आपने सबने पढ़ा होगा, पांचवी छठी क्लास में खूब पढ़ा होगा है। तो समय चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यदि मैं समय को निकालू, ठीक है, यदि मैं समय को निकालू तो समय बराबर क्या आएगा? दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। अब ये दूरी है ना, समय और कार्य में ना, ये दूरी है ना, टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो चाल है ना, ये है ना कार्य क्षमता को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कार्य क्षमता को, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है। और ये समय जो कि त्यों, तो हमारा जो सूत्र है समय और कार्य का, वो क्या बन गया? वो बन गया समय। जब हम निकालना होता है हमें समय, और जब कार्य दे रखा हो और हमें समय निकालना होता है, तो टोटल वर्क बटे कार्य क्षमता। क्या कार्य क्षमता? कि एक व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है एक दिन में। ठीक है, वो उसकी क्या हो जाएगी? कार्य क्षमता हो जाएगी। ठीक है, तो इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो देखिए इसको शॉर्ट में, मतलब इसको कैसे हल करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, ए है, कोई व्यक्ति ए है, वो अपने काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ठीक है, ये डेज हो गए आपके। ठीक है, 15 दिन में ए अपने कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में समाप्त कर देता है। तथा बी उसी कार्य को, जिस कार्य को किसने किया है? ए ने किया है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है समाप्त? बी उसी कार्य को कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर, ठीक है, तो ये दोनों है, ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में संपन्न करेंगे? ठीक है, अब आपके लिए दिन दे रखे हैं। ठीक है, अब आपके लिए कार्य तो दे नहीं रखा कि कितना कार्य है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? कार्य। ठीक है, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे? लेसे ले लेंगे। तो इनका दोनों का लेसे कितना आएगा? लेसे तो लेना आपको आता ही होगा, तो इनका जो लेसे है वो आ जाएगा अपना कितना? 30 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा इसका भाग इस लेसे में देंगे। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, यदि मैं एक ही कार्य क्षमता यदि मैं निकालू कार्य क्षमता, तो समय जो दिन है उसका भाग दे देंगे ना भाई। मैंने बताया था समय बराबर टोटल वर्क बटे कार्य क्षमता। ठीक है, टोटल वर्क बटे कार्य क्षमता। यदि मैं कार्य क्षमता निकालू तो समय का भाग इधर दे दूंगा। ठीक है, तो इसकी जो कार्य क्षमता है, ठीक है, इसकी कार्य क्षमता एक ही कितनी आ जाएगी? एक ही कार्य क्षमता आ जाएगी 2। ठीक है, कितनी आएगी? 2। थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसकी जो लेसा आएगा ना वो 60 आएगा। ठीक है, तो ए का जो कार्य है, ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया अपना? 60 हो गया। और ये अपने ए कितने दिन में कार्य कर रहा है? 15 दिन में। तो ए की जो कार्य क्षमता आएगी ना, वो कितनी आएगी? 4। कितनी आएगी? 4 आएगी। और इसी तरीके से यदि मैं बी की कार्य क्षमता निकालू, तो बी की जो कार्य क्षमता है 60/20, इसका मतलब 3। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई? बी की 3 आ गई। ठीक है, अब क्या कहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में संपन्न करेंगे? अब एक चीज बताइए, एक काम को एक की कार्य क्षमता मतलब एक है, और एक की कार्य क्षमता 2 है। ठीक है, यदि वो दोनों मिल जाएंगे एक साथ, तो दोनों अगर काम करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता भी जुड़ेगी।
जुड़ेगी या नहीं, तो दोनों की कार्य क्षमता जुड़ेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों एक साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। यदि वो दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उनकी जो कार्य क्षमता है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, किसकी, ए और बी की, ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि वो कितने दिनों में संपन्न करेंगे। अब आपको पता है ये समय तो दे ही रखा है, ये समय जब हम ज्ञात करते हैं तो टोटल वर्क, ठीक है, ए प्लस बी कितने दिन में संपन्न करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है अपना, टोटल वर्क ये है टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कितना है अपना, जो संपूर्ण जो कार्य है वो है 60, और बटे जो ए और बी की जो कार्य क्षमता है, ठीक है, ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अपना कितना आएगा, 7×8=56, ठीक है, 7×8=56, 4/7 ये आ गए, यहाँ दिन आ जाएंगे, ठीक है, 8 × 4/7 ये दिन प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। यदि आपके कहीं भी समझ में नहीं आता है ना तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी जो बातें हैं उनको लिख के, ठीक है, जहां भी आपके समझ में नहीं आया इसको एक बार फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके फिर भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है, ये सब डाटा तो यूट्यूब ने दी हुई है वैसे भी, ठीक है, एक ही वीडियो को कितनी भी बार देख लो, ठीक। देखिए एक किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैंने जैसा सवाल कह रहा है ना, जैसा प्रश्न कह रहा है उसी तरीके से मैं इसको लिखता चला गया, ठीक है, कि ए ने किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त किया, 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों, जब ए प्रश्न कह रहा है तो भाई करेगा ही, ठीक है, हमको मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। तथा बी उसी काम को, ठीक है, जो एक ए जिस काम को कर सकता है ना 15 दिन में, बी उसी कार्य को करेगा, ठीक है। यदि एक व्यक्ति को पत्थर तोड़ने का काम दिया जाए, ठीक है, एक व्यक्ति को कोई एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर दे दिया जाए, उस पत्थर को तोड़ने का कार्य दिया जाए, है, ठीक है, और वो उस पत्थर को जब तोड़ेगा, ठीक है, उसको 3 दिन लग रहे हैं, यदि उसी पत्थर को दूसरा आदमी तोड़ता तो उसको 4 दिन लग जाते, ऐसे कहा है, ठीक है। कहने का मतलब जो ए ने वो कार्य किया है ना, वही यदि बी करता ना उस कार्य को, तो कितने दिन में करता, 20 दिन में करता, ठीक है। अब ये हमने लिख लिया, ठीक है, अब ये जो है हम इसका जब लहसा लेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, क्या आएगा, टोटल वर्क। प्रत्येक सवाल में आपको याद रखना है, यहां जो प्रश्न में दिया हो उसको इस तरीके से जमा लेना है, ठीक है, और उनका लहसा लेना है, और लहसा लेने पर जो आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना टोटल वर्क, ठीक है। अब जब टोटल वर्क में हम दिन का भाग देंगे, ठीक है, ए भाई एक ही जो कार्य, जब हम कार्य क्षमता निकालेंगे तो समय का भाग देंगे, देंगे या नहीं, तो समय कितना है, 15 दिन, 60/15, इसका मतलब ये 4 कार्य क्षमता आ गई। इधर जो बी है, बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। अब टोटल ए और बी की जो कार्य क्षमता कितनी हो गई, ए और बी की, ये ए और बी की क्या हो गई, कार्य क्षमता, ठीक है, टोटल कार्य क्षमता, ठीक है, ए और बी की टोटल कार्य क्षमता कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। अब प्रश्न में कहा है कि दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में संपन्न करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में संपन्न करेंगे, इतने दिन में, ये कार्य हो गया टोटल, और ये टोटल क्या हो गई अपनी कार्य क्षमता, ठीक है, और इसका इसमें भाग दे दिया और ये प्राप्त हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, दूसरा उसी तरीके का एक और सवाल, ठीक है, आपके समझने के लिए। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न को पढ़ते हुए जाना है और जैसा प्रश्न कहे उसी तरीके से हमको लिखते हुए जाना है, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। करना क्या है, देखिए एक किसी कार्य को 8 दिन में संपन्न करता है, देखिए ए है, कोई ए है व्यक्ति, वह 8 दिन में संपन्न कर रहा है कार्य को, ठीक है, 8 दिन में उसने संपन्न कर दिया। तथा बी उसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में संपन्न कर रहा है, 24 दिन में, ठीक है, ये तो दिन हो गए अपने, ठीक। अब देखिए इनका जो लहसे लेंगे वो अपना क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इनका लहसे ले देंगे, ठीक है, तो इनका लहसा कितना आएगा, 24।
आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, निकालना भी आता होगा। यदि आप पे निकालना नहीं आता तो आप पहली दूसरी तीसरी इन कक्षाओं में पढ़ें, ठीक है, यदि आप पे निकालना नहीं आता है तो, ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप पे आता होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो छाले हो रखे हैं, ठीक है, और उस वजह से बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, समस्या आ रही है, तो लेकिन फिर भी अब पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है, क्लास तो नहीं छोड़ सकते। देखिए अब हमें इसकी जो कार्य क्षमता निकालेंगे, एक ही जब हम कार्य क्षमता निकालेंगे तो क्या करेंगे कि एक ही जब कार्य क्षमता निकालेंगे तो जो ये है क्या समय, ये क्या है समय है, समय मतलब समय किस में दिया हुआ है, दिन में दिया हुआ है, तो ये 8 दिन, ठीक है, और ये टोटल वर्क कितना होगा 24। अब जब हम टोटल वर्क में समय का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, कार्य क्षमता आ जाएगी, आएगी या नहीं, ठीक है, तो 8 + 24 3 बार गया तो 3 हमारी क्या आ गई कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, अर्थात ए है ना, ए किसी कार्य का एक दिन में ए ए है ना 3 काम करता है, ठीक है, एक दिन में। और इसी तरीके से बी है, बी की जब हम कार्य क्षमता निकालेंगे तो इसकी आ जाएगी 1, ठीक है, क्या आ जाएगी 1। बी यदि 24 काम है तो उसको एक दिन में निपटा देगा, ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई कार्य क्षमता। अब टोटल कार्य क्षमता कितनी है इसकी, देखिए दोनों मिलकर कितने दिनों में संपन्न करेंगे, यदि दोनों की पूछा है कि मिलकर कितने दिन में संपन्न करेंगे तो इसकी जो कार्य क्षमता है वो लिख देंगे हम, टोटल कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। अब हमें ए और बी, क्या ए और बी कितने दिन में संपन्न करेंगे, देखिए कितने दिन में करेंगे भाई, टोटल कार्य क्षमता इनकी कितनी है 4 है और टोटल वर्क कितना है 24, तो 24/4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 दिन, क्या आ जाएगा 6 दिन में, ठीक है, 6 दिन में। उतार लीजिए, नोट कीजिए इसको, ठीक है। तो अगला अपना सवाल है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे तथा 1 दिन में संपन्न करते हैं तो तीनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, ठीक है। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, एक बार फिर से पढ़ें कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे व 1 दिन में संपन्न करते हैं तो तीनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है ना वैसे वैसे हमको लिखते हुए जाना है, ठीक है। एक ए अपने काम को कितने दिन में कर रहा है, ए अपने कार्य को कितने दिन में संपन्न कर रहा है, एक मिनट, मार्कर में थोड़ी स्याही बीत गई है। ए है, ए अपने कार्य को कितने घंटे में संपन्न कर रहा है 6 घंटे में, ठीक है। बी उसी कार्य को, ठीक है, बी उसी कार्य को कितने घंटे में संपन्न कर रहा है 8 घंटे में, ठीक है, और सी उसी कार्य को कितने दिन में संपन्न कर रहा है 1 दिन में, ठीक है, सी अब 1 दिन, ठीक है। अब आपने लिख दिया होगा इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, लेकिन ये आपका बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, देखिए ए अपने कार्य को 6 घंटे में कर रहा है, ठीक है, बी अपने कार्य को 8 घंटे में कर रहा है, सी अपने कार्य को 1 दिन में कर रहा है, ये दोनों जो वैल्यू दी हुई है ये किस में दी हुई है घंटे में दी हुई है, ठीक है, और ये किस में है दिन में, ठीक है, क्यों ना इस दिन को घंटे में बनाया जाए, तो 1 घंटे में वो सॉरी 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने होते हैं 24, ठीक है, 24, तो इसका मतलब 24 घंटे में वो संपन्न कर रहा है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर एक दिन और रात, ये नहीं, एक दिन माना जाएगा टोटल दिन और रात सहित, ठीक है, तो 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे में ये संपन्न कर रहा है, ओके।
इतना लिख दिया आपने, ये कंप्लीट हो गया। आपको केवल और केवल जो जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, उसको समझना है कि उसमें पूछ क्या रहा है, ठीक है। छोटी सी बात आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में डाल सकती है, ठीक है, यदि आप उसको गौर से नहीं पढ़ोगे तो, समझे। तो ए और बी और सी तीनों के जो कार्य लिख दिया कि कितने घंटे में संपन्न कर रहे हैं, ठीक है। अब टोटल वर्क हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, टोटल वर्क। जब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा अपना, 24। आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालनी है एबीसी की कार्य क्षमता, क्या निकालनी है, कार्य क्षमता, ठीक है। तो ए की जब हम कार्य क्षमता निकालेंगे तो टोटल जो वर्क है उसमें दिन का भाग दे देंगे, वो सॉरी घंटे का भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, 24 में 6 का भाग देंगे तो 4, ठीक है। ये ए की कार्य क्षमता आ गई, ठीक है। बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 3, और सी की कार्य क्षमता 1। समझ में आया, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न कि तीनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, सॉरी ये दिन नहीं है, कितने घंटे में संपन्न करेंगे, ठीक है, कितने घंटे में संपन्न करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं टोटल वर्क दे दिया, ये अब तीनों की कार्य क्षमता चाहिए, ठीक है, तीनों की कार्य क्षमता निकल आई, तो तीनों की कार्य क्षमता का योग कितना है, 8 है, कितना है, 8। यदि अब हम जब तीनों का हम निकालेंगे कि तीनों मिलके कितने दिन में, सॉरी कितने घंटे में संपन्न करेंगे, ठीक है, तो 24 बटा टोटल जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 8, ठीक है। इसका मतलब 8 या 24, 3 घंटे में, कितने घंटे में, 3 घंटे में, कितना, 3 घंटे, ओके। यदि ये दिन होता तो दिन, इस 3 घंटे को हम दिन में बदल लेते, तो क्या करते है इसका, 24 से भाग दे देते, ठीक है। तो 1/8 क्या आ जाता अपना, दिन आ जाता, दिन का हिस्सा, ठीक है, नोट कीजिए इसको, समझ में तो आ रहा होगा ना। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि यदि आपको कहीं समझ में नहीं आता है ना, तो आप है ना बिल्कुल अपनी जो परेशानी है उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें बता सकते हैं, मेरे को अवगत करा सकते हैं, ठीक है। झिझकने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई पे फोकस करें, सवाल को देखें कि उसमें क्या क्या रहा है, ये नहीं कि आप सवाल को देखते ही घबरा जाए, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। और जब तक हम है तब तक घबराहट की क्या बात, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगला सवाल आपका कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 घंटे और दूसरा भी उसी कार्य को 8 घंटे में करता है, ठीक है, तो बताओ कि दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिन में, वो सॉरी कितने समय में पूर्ण करेंगे, ठीक है। ए है किसी कार्य को 8 घंटे में पूर्ण कर रहा है, और बी उसी कार्य को भी 8 घंटे में पूर्ण कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यदि इस तरीके का सवाल आपके सामने आ जाए, यदि इस तरीके का सवाल आपके सामने आ जाए तो बिल्कुल इसमें आपको एक सेकंड भी नहीं लगाने, कैसे कि यदि दोनों व्यक्ति कार्य को एक ही समय में करते हैं, ठीक है, समान समय पर पूर्ण कर रहे हो, ठीक है, तो जो दोनों मिलके है ना उसको आधे समय पे पूर्ण कर देंगे, आधे समय पे, 8 मतलब 4, ठीक है, कोई एक ले लेना है और उसका हमें क्या कर देना है, आधा कर देना है, ठीक है, और जो आपका उत्तर आएगा वो आपका दोनों मिलके उस कार्य को संपन्न करेंगे उतने समय में, ठीक है। और नहीं तो आप इसको हल भी कर सकते हैं, कैसे कि ए कार्य को 8 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को बी भी 8 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा अपना, 8 आ जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी अपनी कितनी आ जाएगी, कार्य क्षमता 1 और 1, ठीक है, टोटल वर्क कितना, ये टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और जब हम समय निकालेंगे, समय निकालेंगे ए और बी का, ए और बी मिलके, ठीक है, ए और बी मिलके कितने समय में पूर्ण करेंगे, तो टोटल वर्क कितना अपना, 8,
और कार्य क्षमता कितनी है? दो, ठीक है, तो चार घंटे में, ठीक है, किसी एक को उठा लेना और उसका आधा कर देना है और वही आपका आंसर होगा, ठीक है, उतार सकते हैं इसको। उतार लिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक व्यक्ति किसी कार्य को, एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में संपूर्ण करता है, ठीक है, उसी कार्य को वह अपने पुत्र के साथ मिलकर 6 दिन में पूर्ण करता है। बी, जो व्यक्ति है वो अकेला अपने कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर रहा है? 10 दिन में, ठीक है, लेकिन वही व्यक्ति उसी कार्य को 6 दिन में पूर्ण करता है किसके साथ मिलकर? अपने पुत्र के साथ में, किसके साथ? पुत्र के साथ में मिलकर 6 दिन में पूर्ण करता है, तो उसका पुत्र अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि ए कोई व्यक्ति है, वो कार्य को कितने दिन में संपूर्ण पूर्ण कर रहा है? 10 दिन में, ठीक है, यदि वह उसी कार्य को अपने बेटे के साथ में मिलकर करे तो उस कार्य को 6 दिन में कर देता है, दोनों 6 दिन में कर देते हैं, ठीक है, तो जो उसका जो पुत्र है वो अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। वही उसी वही तरीका अपनाना है आपको, इधर उधर बिल्कुल नहीं भगना है, ना ही ये कि कोई अलग तरीका अपनाने की जरूरत पड़े, बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वह तरीका ही अपनाना है आपको, ठीक है। अब वह तरीका क्या है, प्रश्न को पढ़ते जाइए और साथ ही साथ लिखते जाइए। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है, भाई हमने लिख लिया ए, और कोई व्यक्ति है, मैंने वो मान लिया ए मान लिया, ठीक है, ए मान लिया है, और जो उसका जो पुत्र है उसको मैं बी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? बी मान लेता हूं, ओके। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में, ठीक है, और अपने पुत्र के साथ मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूर्ण करता है, ठीक है, तो ए प्लस में बी, ये कितने दिन में पूर्ण कर रहे हैं कार्य को? 6 दिन में, कितने दिन में? 6 दिन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लैसा ले लेंगे, और लैसा लेने पर जो हमें प्राप्त होगा वो क्या है हमारा? टोटल वर्क, तो 60 अपना सॉरी इसका जो लैसा है वो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? टोटल वर्क, क्या प्राप्त हो गया हमें? टोटल वर्क, ठीक है। अब इनकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, ठीक है, जब हम टोटल वर्क में भाग देंगे समय का तो कार्य क्षमता आ जाएगी, तो इसका मतलब ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई? 3 आ गई, भाई 30/10, ठीक है, 3 आ गई। और ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई? 5, कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है, ओके। अब देखिए कहा क्या है, कहा क्या है कि उसका पुत्र अकेला संपूर्ण कार्य कितने दिन में करेगा। अब पुत्र कौन है? बी है, पुत्र कौन है? बी। अब ये जो ए की जो कार्य क्षमता है ये तो है 3, कितनी है? 3, लेकिन ए और बी मतलब पिता और पुत्र की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 5। यदि मैं इन दोनों की कार्य क्षमता में से, ठीक है, पिता की जो कार्य क्षमता है उस व्यक्ति की जो कार्य क्षमता वो घटा दूं तो किसकी कार्य क्षमता बचेगी? पुत्र की बचेगी, बचेगी या नहीं, ठीक है, तो ये किसकी बच गई? पुत्र की कार्य क्षमता कितनी आ गई फिर यहां पर? 2 आ गई, कितनी आ गई दोस्तों? 2 आ गई, ठीक है भाई। कहना क्या चाहता हूं मैं उसको समझो कि ए है उसकी कार्य क्षमता 3 है, ठीक है, और पिता और पुत्र उन दोनों की कार्य क्षमता 5 है। यदि मैं पिता की कार्य क्षमता को पिता और पुत्र दोनों की कार्य क्षमता में से हटा दू, घटा दू, ठीक है, तो पुत्र की कार्य क्षमता बच जाएगी, बचेगी या नहीं, तो पुत्र की कार्य क्षमता आपने कितनी आ गई? 2 आ गई, कितनी आ गई? 2। अब जब ये कार्य क्षमता आ गई टोटल वर्क आ गया, अब आपको निकालने में कोई समस्या भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो जो संपूर्ण कार्य है उसको बी कितने दिन में करेगा? बी, ठीक है, टोटल वर्क कितना अपना? 30/2, कार्य क्षमता 2 ही है ना, तो 15 दिन में, कितने दिन में? 15 दिन, समझ में आ रहा है या फिर सर के ऊपर से ही जा रहा है? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा हो ना, तो YouTube का बड़ा अच्छा फीचर्स है, ठीक है, कमेंट बॉक्स,
आप उसमें लिख के अपनी समस्या बता सकते हैं मेरे को, ठीक है, शर्माना नहीं है। और फिर शर्माना किससे है, तुम्हारा जेट थोड़ी लागू लागू के को नहीं, ठीक है। अब नहीं लगता तो फिर लिख दे ना अपनी समस्या, ठीक है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ओके, समझ में आया, ठीक है, नोट कीजिए इसको फटाक से। ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रोते मसे तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, ओ चलिया। नहीं आया भाव समझ में, आ गया होगा, कहने का मतलब है ये नौकरी कब मिलेगी है, जल्दी मिल जाएगी, आप ऐसे ही तैयारी करते रहें, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, क्या कह रहा है अगला सवाल, क्या कह रहा है, हैं, क्या कह रहा है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अब इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि एक पुरुष और एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि पुरुष अकेला इसे किसे उस काम को, ठीक है, 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और एक स्त्री अकेले 12 दिन में, ठीक है, और लड़का इसे 6 दिन में पूरा करे, तो स्त्री अकेली इसको कितने दिन में पूर्ण करेगी, ठीक है, समझी। अरे समझ में आया नहीं, समझी नहीं, समझे है? देखिए, एक पुरुष स्त्री और एक लड़का, पुरुष को मान लेता हूं मैं पी, ठीक है, स्त्री को मान लेता हूं फीमेल, और इसको बॉय लड़का, ओके, लौंडा, ठीक है, ये तीनों मिलके काम को 3 दिन में पूर्ण करते हैं। एक तो है पुरुष, ठीक है, इसको मेल मान लेते हैं हम, ठीक है, एम मान लेते हैं, ओके, ये तो हो गया मेल प्लस फीमेल प्लस एक बॉय, ये तीनों मिलके कार्य को कितने दिन में संपन्न करें, कितने दिन में संपन्न करें, 3 दिन में संपन्न करें, ठीक है। यदि पुरुष अकेला इसे 12 दिन में, ठीक है, यदि पुरुष ही पुरुष अर्थात मेल, ठीक है, इसको कितने दिन में पूर्ण कर रहा है, 12 दिन में, और लड़का इसे 6 दिन में पूर्ण कर सकता है, लड़का मतलब बॉय, इसको कितने दिन में पूर्ण कर दे, 6 दिन में पूर्ण करे, तो स्त्री अकेली कितने दिन में पूर्ण करेगी, डरने की कोई बात नहीं, आराम से निकालेंगे अपन इसको, ठीक है। ये तो हो गए अपने क्या समय के दिन, इतने इतने दिन में ये कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एक ही कार्य करना, लैसा ले लेना है, ठीक है, लैसा बिल्कुल सही आना चाहिए। तो इसका लैसा कितना आ जाएगा, कितना आएगा, इसका लैसे आएगा 12, मार्कर में बीत गई स्याही, ठीक है, पर कोई बात ना, मार्डिंग दूसरा है, ठीक है। अब निकाल लेंगे हम इसकी क्या कार्य क्षमता, ये तो अपने क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, क्या आ गया, टोटल वर्क, कार्य क्षमता निकालेंगे, टोटल वर्क में हम समय का भाग दे देंगे, एक बार नहीं बार बार मैंने ये बता दिया, अब बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, समझे, बाहर पता नहीं जाने कितनी बार बता दिया, ठीक है। तो जब हम कार्य क्षमता निकालेंगे इन तीनों की, तो ये कितनी आएगी, 4, अरे कितनी आएगी, 4 आएगी या नहीं, मेल है, ठीक है, पुरुष है, उसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, कितनी आ गई, 2, लड़का है, उसकी कार्य सॉरी जो पुरुष है उसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी, 1, कितनी आ गई, 1, और जो लड़का है उसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2, आ गई ना, ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब देखो इन तीनों की कार्य क्षमता तो है 4, ठीक है, अब मेल की कार्य क्षमता 1 और जो लड़का है उसकी कार्य क्षमता है 2, ये तो जो कार्य क्षमता 4 है ये पुरुष की भी है, स्त्री की भी है और लड़के की भी है, ठीक है,
यदि मैं इन तीनों की कार्य क्षमता में से पुरुष की और उस लड़के की कार्य क्षमता घटा दूं, तो स्त्री की जो कार्य क्षमता है वही तो शेष बचेगी, बचेगी या नहीं? तो ये दोनों किसकी हैं, पुरुष की और लड़के की, ठीक है। यदि मैं इनको इस चार में से घटा दूं इनके योग को, तो किसकी आ जाएगी, तो फीमेल की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई, कितनी आ गई फीमेल की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई, कितनी आ गई, एक आ गई, ठीक है, एक आ गई। तो अकेली स्त्री कितने जन्म पूर्ण करेगी, अब तो आराम से आप निकाल ही लोगे, ठीक है। तो जो फीमेल है वो कितने दिन में पूर्ण करेगी अपने कार्य को, टोटल वर्क 12 और कार्य क्षमता एक, इसका मतलब 12 दिन में पूर्ण करेगी, कितने दिन में, 12 दिन में। मैं उम्मीद और आशा करता हूं, ये बात मैं रोज रिपीट करता हूं, ठीक है, मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सब लोगों के समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मुझे अवगत कराएं, कैसे कराना है ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, तो अब बताने की जरूरत ना पड़े बिल्कुल, समझे, समझे या नहीं, समझ जाया करो, ठीक है, प्यार से, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में इसी अंदाज के साथ, ठीक है, राधे राधे।